आर फाइनली बैक विद अनदर व्लॉग। तो भाई उम्मीद है तुम सारे खैरियत से हो गए, और अगर अब तक तुम लोगों ने सब्सक्राइब नहीं किया हुआ तो पहले जाके सब्सक्राइब कर दो। सुन लो मेरी बात, आज तुम लोगों को पता है आज क्या है? 12 मई। आज है भाई मदर्स डे, या इसको कह लो अम्मी का दिन, या इसको कह लो वालदा का दिन, या इसको कह लो मम्मी डिन, या इसको कह लो मम्मी डिन। बंद करो हाथ जोड़ के। मैं जो कहने को सिंपल इज डेट के भाई आज है मदर्स डे। मेरा आज जी कर दा। खैर भाई, हम सारे जा रहे हैं, पूरे घर वाले जा रहे हैं डिनर पे। समझो किसी एक ने ना हमें दावत दी है, तो उन्होंने बोला है कि ना क्या कहते हैं आप सारे और डिनर पे, तो हम लोग वहाँ जा रहे हैं। मीनवाइल ऐसा वैसा कुछ सीन नहीं है, हम जा रहे हैं भाई मदर्स डे सेलिब्रेट करने के लिए कहीं पर। तो लोकेशन जो है हम रस्ते में डिसाइड करेंगे। अभी अम्मी और हमने चाची को बोला है कि भाई हम लोग डिनर पे जा रहे हैं, किसी की तरफ से दावत है। इस साइड पे ना काम कर रही है अम्मी, तो इस वजह से जो है ना मैंने थोड़ा हल्के बोला। खैर तो भाई एनीवेज अभी हम लोग चलते हैं ऊपर और देखते हैं भाई जोर जवार रेडी हो गए या नहीं हो गए। जिस तरीके से आपके भाई ने वादा किया था ना, मैं दूंगा अपने हैमस्टर्स को, जो कि ये रहा भाई, ये रहा ये इसको और इसने जो बच्चे दिए थे इन सबको दूंगा मैं ईद का गिफ्ट। वो मैंने सोचा था कि मैं इनको घर गिफ्ट दूंगा, एक नया घर, क्योंकि वो काफी ज्यादा थे, वो इस घर में ना बिल्कुल भी नहीं आते थे। तो इस वजह से आपके भाई ने सोचा था कि इनको मैं घर गिफ्ट दूंगा। आपके भाई ने सोचा भी था और बोला भी था कि मैं करूंगा, और तुम लोगों को भी याद होगा। तो अल्हम्दुलिल्लाह मैंने जो है वो इन लोगों के लिए एक नया घर भी ले लिया। ये रहा वो घर भाई, ये वाला घर लिया मैंने इनका। तो उसमें जो है सब अलग अलग है, एक इसमें 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 है, इसमें नहीं है बस, और बाकी जो है वो इसमें। अब इसको मैंने क्यों अलग किया हुआ, इसका रीज़न ये है कि भाई इसने जो है वो बच्चे दिए हमें, इसने भी दिए हमें, वन में से भी जो है ना वो कुछ जहाँ पे बैठे हुए ना उन्होंने भी बच्चे दिए हमें, तो वो तुम लोग को मैं दिखा नहीं रहा। तो यार रेडी हो गए तुम? अरे अभी पढ़ रहे हो जवाब, पढ़ाई क्यों कर रहे हो? तुम्हें पता नहीं है तुम्हें जाना है यार, तो पढ़ाई कर रहे हो अभी? यार ये पढ़ाई वढ़ाई कुछ नहीं होता। अच्छा तो ये पढ़ाई के पीछे ये चल रही है? सही है भाई, सही है। अभी इसके अब्बा को मैं बताता हूँ, ये पढ़ाई वढ़ाई करनी नहीं रहा, ये पीछे मोबाइल यूज़ कर रहा है। गया तुमसे बेटा मोबाइल भी ले लेंगे पढ़ाई के वक्त, और ये जो स्मार्ट वॉच तुम्हें मिली थी ना ये भी जो है ना तुमसे ले लेंगे, जो बर्थडे पे तुम्हें मिली थी ना। ये पकड़ो, रेडी हो जल्दी से जाके। Few inches later. Hey, तो भाई हम लोग रेडी हो गए हैं बिल्कुल, और मैं भी रेडी हो गया, जवार साहब भी रेडी हो गए। ये कैप जो है जवार, ये देखो इस पे कैप कितनी अच्छी लग रही है ना, कितनी अच्छी लग रही है ना, इसको बर्थडे पे गिफ्ट दी इतनी अच्छी कैप। और ये फिर ना शुक्र नहीं कर रहा था, बोल रहा था नहीं काली वाली अच्छी है, काली वाली मेरी कैप लेके घूम रहा था यार, और मुझे ये वाली दे रहा था यार। गलत बात है ना ऐसे, यार ऐसे नहीं किया करो, इतनी प्यार से उसने तुम्हें गिफ्ट दी जवान है यार। वो बेचारी फिर तकिए में मुंह रख के रो रही थी। ये भी तैयार हो गई, और अभी भी तैयार हो गई है, अम्मी अंदर है, अम्मी भी तैयार हो गई हैं। तो खैर अभी हमारे पास फ़ोन आया था भाई जिनकी तरफ से दावत है, उन्होंने बोला हम जो है वो लोकेशन पे पहुंच चुके हैं, तुम लोग कहाँ रह गए हो? तो हमने बोला भाई अम्मी रस्ते में ही है, समझो निकल गए। पीछे दबार था, गाड़ी की आवाज़ निकल रहा था, हमने बोला हाँ रस्ते में आ गए, आ गए बस, आ गए आ गए, 10 मिनट में आ रहे हैं, जबकि उनको क्या पता हम 10 मिनट में नहीं आधे घंटे में आ रहे हैं भाई। वाह क्या एक्टिंग कर रहा है, बड़ी टाइट तुमने गाड़ी की आवाज़ निकाल दी, निकाल के दिखाओ दोबारा। अरे भाई खास दावत अम्मी सिर्फ आपकी है, तो बताओ अम्मी क्या है, कैसा लग रहा है आपको? किसने दी होगी वैसे आपको दावत? क्या पता आप लोगों ने दी होगी, बच्चों ने, चारों ने मिलके। हम लोग क्यों दावत देंगे भाई, ऐसी कौन सी खुशी है? मुझे पता है, मुझे पता है मदर्स डे, पर आप हमें ये बताओ आपको लगता है कि हम लोग चारों की शक्लें ऐसी हम चारों ट्रीट दे सकते हैं आप लोगों को? इतनी खुशी अम्मी हम लोग ट्रीट वगैरह नहीं दे रहे, अभी हम जा रहे हैं भाई एक डिनर पे, जो कि एक छोटी सी दावत है हमारी, और वो आपको वहीं रास्ते में पता चल जाएगा, यहाँ तो वहाँ लोकेशन पे जाके पता चलेगा भाई किसकी तरफ से दावत है। तो भाई जवार साहब रेडी हो ना? बस रेडी हैं, तो अभी चाची और चाचू भी ऊपर से आ जाएं और फिर हम लोग निकलते हैं, और फिर तुम लोगों से मिलते हैं डायरेक्ट लोकेशन पे। भाई फाइनली हम लोग पहुंच चुके हैं जहां हमें आना था, लोकेशन तुम लोगों को हम लोगों ने बताई नहीं थी, लेकिन जो है अभी आ गए, एंड में तुम लोगों को बताते हैं कहां पर आए हुए और क्या खाने आए हुए हैं। तो अभी फिलहाल जो है वो पापा हम लोगों के साथ हैं, अम्मी है, चाची है, जोआ है, रापी है, जवार है, चाचू है। अम्मी आपको पता चल गया कि किसने दावत दी है? नहीं, हाँ हम सब लोगों ने मिलके दी है। तो अब मैं तुम लोगों को बताता हूँ कि कहानी के जो पीछे ट्विस्ट है वो क्या है। भाई जोआ, जवार, आपी और मैंने, हम चारों ने मिलके जो है जोआ, जवार, आपी और मैंने और चाचू ने और पप्पा ने,
हम सब ने पैसे मिला के ना चंदा बांट, हाँ चंदा बांटा है, और अम्मी और ना चाची को जो है ट्रीट दी है। तो समझो कि भाई ये सीन है कि भाई जोहर और जवार की मम्मा जो है वो चाची हैं, और आप ही और मेरी मम्मा जो है वो अम्मी है। तो खैर भाई समझो दोनों अम्मी जैसी हैं। हैप्पी मदर डे, हैप्पी मदर डे, हैप्पी मदर डे अम्मी। मैं पहले बता रहा हूँ, अब सन डे आए, डॉटर डे आए, हस्बैंड डे आए, जो भी आए, तो आप लोगों को भी ऐसे कॉन्ट्रीब्यूट करना पड़ेगा। सही है, बट डन है ना, बट डन हुआ है। ऑर्डर आते हैं हम लोगों का, उसके बाद तुम लोगों को दिखाते हैं क्या मंगवाया है, और टेस्ट का रिव्यू भी तुम लोगों को बताते हैं। पिज्जा भी हमारा आ चुका है, इतना बड़ा पिज्जा, इतना बड़ा। जवाहर साहब इतना बड़ा मुंह खोल के दिखाओ। बहुत मनुष्य लग रहे हो, मत करो, रहने दो, ये पूरा फिर भी नहीं आएगा इसके अंदर। तो खैर भाई अभी इस पे हम लोगों को लिखवाना था हैप्पी मदर्स डे, तो वो अफसोस नहीं लिखवा पाए, क्योंकि भाई इस पिज़्ज़ा के ऊपर जो सॉस डली हुई है ना, अगर ये लिखवाता ना तो फिर टेस्ट ख़राब हो जाता। तो अब हम लोग ये पिज़्ज़ा खाते हैं। चलो भाई शुरू हो जाओ सारे। ये तुम लोगों ने देखा, ये अभी हुआ है चाची का इंटरव्यू, और चाची ने इंटरव्यू दिया है, और इसी के साथ हो चुका है हम लोगों का खाना भी हो चुका है। थोड़ा सा पिज्जा बच गया था, ये रहा, ये देखो ये रहा। अब तुम लोगों को ये खाना है तो जल्दी से जाके सब्सक्राइब करो, ताकि जो है तुम लोग के घर पे मैं छोटा सा पिज्जा ही भिजवा दूँ। सुधर जाओ। अगेन हैप्पी मदर्स डे, हैप्पी मदर्स डे। वैसे 12 बज चुके हैं, तो अब मदर्स डे खत्म हो गया। हे तो भाई फाइनली खाना वाना खाकर आ चुके हैं हम लोग, और भाई पेट वेट भर गया भाई तुम लोगों का, तुम्हारा भी भर गया, तुम्हारा तो भाई एक्स्ट्रा ही भरा हुआ यहीं से दिख रहा है। अबे साले देखो अभी सांस अंदर करके बैठा हुआ है, इस वजह से इसका पेट कम लग रहा है, वरना तो उसका पेट जो है ना यहाँ नहीं है, यहाँ तक तो आता है इसका पेट। एक स्पीड ब्रेकर तो लाजमी बनता है इसके पेट पे, कि गाड़ी यूं आती है यूं नीचे जाती है। अम्मी फिर से हैप्पी मदर्स डे, चाची फिर से हैप्पी मदर्स डे, तुम लोग भी कुछ बोल दें, पूरे व्लॉग में सिर्फ मैं ही हैप्पी मदर्स डे, हैप्पी मदर्स डे, हैप्पी मदर्स डे करता रहूंगा यार। सुबह से बोले तुम्हारी तरह, ये नहीं कि 3 घंटे में 6 दफा बोले। इस शख्स की सुबह ही हुई है, बताओ कितने बजे, 3 बजे तो सुबह हुई, और वो बेटा तुम लोगों को पता, एक मिनट अम्मी, सबसे पहले हैप्पी मदर्स डे आपको किसने किया था? सबने किया था, इनको याद ही नहीं था, सबसे पहले मैंने किया था। हाँ चाची आप बताएं किसने किया था? हाय हाय, अब आप मुझे बताओ गिफ्ट में आपको क्या चाहिए? मुझे कुछ नहीं चाहिए बस। अरे अम्मी आपको मैं दूंगा गिफ्ट, दूंगा, आप बताओ क्या चाहिए आपको? कुछ नहीं चाहिए भाई, बस ये खाना वाना खिला दे आप लोगों ने। अम्मी वो तो हमारी तरफ से ट्रीट थी ना, गिफ्ट बताओ ना। नहीं बस यार, मैं गिफ्ट जो है यार, आप बोलो तो मैं आपको गिफ्ट में बहू ला के दे दूं। नहीं नहीं, ये मैं खुद ही काम करूंगा। गजब बेइज्जती है, ये आपके बस की बात नहीं है, ये मैं खुद ही काम करूंगा। मतलब मेरी अम्मी को भी पता है कि ये काम जो है वो इस शक्ल पे होनी नहीं वाली। जो आने वाली है ना वो अपना भाई सोच ले कि भाई एक तो मेरी अम्मी, हाँ मेरी अम्मी और चाची ये दोनों जज करेंगी तुम्हें यार। खैर भाई ऐसी वैसी बात नहीं है, अम्मी और चाची जो है मेरी बहुत भाई अच्छी है यार, ऐसी वैसी बात नहीं है, बस समझो हाँ कर देंगे, टेंशन वाली बात नहीं है। ठीक है, और अभी जो बात कर रहा था ना मैं कि बहू ला दूं, ये ला दूं, ये जस्ट फॉर अ फन था, ऐसा कुछ भी नहीं है यार। अभी आपके भाई को कोई शादी वादी नहीं करनी ना जल्दी है। दिल में हाँ है, यहीं पर ही करते हैं अपना ब्लॉग एंड। तो उम्मीद है तुम लोग को अच्छा लगा होगा, और मदर्स डे का ब्लॉग तुम लोग अच्छा लगा होगा, तो उसको लाइक करना, कमेंट करना, शेयर करना, सब्सक्राइब करना, हमारी गैंग में शामिल हो जाना। मिलते हैं नेक्स्ट ब्लॉग में, जब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।